राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी है। सड़कों पर दुपहिया वाहन पर चलने वाले लोगों पर मानो आग बरस रही है, तो दूसरी तरफ चौपहिया वाहनों के एसी भी सूरज की तपिश के आगे फेल हो रहे हैं। स्थानीय प्रशासन की तरफ से राजस्थान में अलग अलग इंतजाम किए जा रहे थे और जहां एक ओर कोटा जोधपुर में स्मोक गन से बारिश की तरह पानी की बौछार की जा रही है, तो वहीं राजधानी जयपुर में ग्रेटर नगर निगम ने एक अनूठी पहल करते हुए जयपुर वासियों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत देने के लिए रामबाग ट्रैफिक सिग्नल पर ग्रीन नेट यानी कि हरे पर्दे की व्यवस्था की है। जयपुर में रामबाग सर्किल पर स्थित ट्रैफिक सिग्नल पर लोगों को करीब एक एक मिनट तक रेड लाइट होने पर रुकना होता है। ऐसे में लोगों को नगर निगम जयपुर की ये पहल भीषण गर्मी से थोड़ी राहत जरूर देगा। राजधानी जयपुर के व्यस्ततम चौराहे रामबाग सर्किल पर इस समय हम खड़े हैं। आपको बता दें कि आज का जो तापमान है वो करीब 40 डिग्री बताया जा रहा है और इस भरी गर्मी में जहां एसी और कूलर भी फेल हो गए हैं, जयपुर ग्रेटर नगर निगम मेयर सौम्या गुर्जर की ओर से गर्मी से राहत देने के लिए इन राहगीरों को जो बत्ती पर करीब 30 सेकेंड, 60 सेकेंड या 90 सेकेंड रुकते हैं, उन्हें राहत देने के लिए आपको बता दें ये एक हरा पर्दा लगाया गया है ताकि जितनी भी देर राहगीर इस बत्ती पर रुके उन्हें भले ही थोड़ी ही देर सही, कुछ सेकंड ही सही, इस भरी गर्मी से, इस धूप से राहत मिल सके। भाई साहब, इस पहल पर आपका क्या कहना है, ये जो पर्दा लगाया गया है धूप से राहत देने के लिए सही है? इस प्रकार की और पहल होनी चाहिए, होनी चाहिए, इस प्रकार की और भी पहल होनी चाहिए। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं। मैम, ये जो पर्दा लगाया गया है धूप से राहत देने के लिए किस प्रकार देखते हैं, अच्छी पहल है? बहुत ही अच्छी पहल है सर, क्योंकि बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को लेकर इतना धूप में खड़े होना बहुत मुश्किल है, तो बहुत ही अच्छी पहल है गवर्नमेंट के, आगे भी होना चाहिए और चौराहों पे भी जी जरूर होनी चाहिए, और भी चौराहों पर इस प्रकार से होना चाहिए। कुछ और लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। जो पहल जो की गई है ग्रेटर नगर निगम की ओर से, राजस्थान सरकार की ओर से राहगीरों को राहत देने के लिए, किस प्रकार से इसका स्वागत करते हैं? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, जगह जगह करने चाहिए, और भी कुछ हो सके तो पानी का छिड़काव वगैरह गर्मी के लिए तो करना ही चाहिए। तो इस प्रकार से और भी चौराहों पर होना चाहिए, क्या लगता है? हाँ, होना चाहिए, जितना हो सके उतना करना चाहिए। इस प्रकार से और भी चौराहों पर होना चाहिए जिस प्रकार से इन लोगों का कहना है। और भी कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। ऑटो चालक हैं भाई साहब, ये जो पर्दा लगाया गया गर्मी से राहत देने के लिए, क्या लगता है आपको? बहुत अच्छा है सर जी, अच्छी पहल है इनका कहना है। कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं। सर, ये जो गर्मी से राहत देने के लिए पर्दा लगाया गया है किस प्रकार से देखते हैं? ये सर गवर्नमेंट का बहुत अच्छा प्रयास है और मेरा एक सुझाव रहेगा कि इस साइड भी थोड़ा पर्दा लग जावे, जिससे कि क्या है, बिल्कुल धूप से बचाव हो जावे और जनता को बहुत राहत मिलेगी, गर्मी बहुत तेज है। ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा सुझाव। तो ये आपने सुना, जिस प्रकार से तमाम इन राहगीरों का कहना है कि ये जो पहल जो ग्रेटर नगर निगम की ओर से की गई है, राज्य सरकार के द्वारा की गई है, ये बहुत अच्छी और अनूठी पहल है गर्मी से राहत देने के लिए। हालांकि कुछ सुझाव भी यहाँ पर आए हैं कि ना सिर्फ एक बत्ती पर बल्कि तमाम बत्तियों पर भी इस प्रकार से जो पर्दे हैं वो लगने चाहिए और जो छूट गए हैं जो एरिए उस पर भी ये पर्दे लगे, ताकि एक हम कह सकते हैं संपूर्ण बचाव गर्मी से इन राहगीरों को, भले ये कुछ सेकंड के लिए यहाँ पर रुकते हैं, उन्हें मिल सके। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।